जी पर एक और चीज़ जानना है, क्योंकि कई लोग आपके स्टेटमेंट से ही इस चीज़ को पूछेंगे कि सर वो वाला बताइए ना कि दिल्ली कैसे जाते हैं, कोचिंग कैसे करते हैं, कैसे अप्लाई किया जाता है, तो थोड़ा सा उसको डिटेल में बता दीजिए कि वो कौन से प्रोग्राम के थ्रू आप अच्छा, जो दिल्ली यूपीएससी के जाते लिए जो था हैं। वो जी हाँ, ताकि कई लोग यहाँ पे हैं जो लोग उस चीज़ को जानते हैं पर डिटेल नहीं जानते, तो हाँ। उसके बारे में बताइए। अब जिस समय हम लोग का चयन हुआ था, टोटल 50 सीट था उसमें। एक गवर्नमेंट का एक योजना होता है युवा करियर निर्माण योजना, इसके तहत जो 25 जो सीट था वो एसटी के लिए, 15 सीट एससी के लिए और 10 सीट ओबीसी के लिए। इस प्रकार से चयन करके उनको यूपीएससी की तैयारी के लिए दिल्ली भेजा जाता था। तो दिल्ली में उनको प्राइवेट के कोचिंग में फिर उनको एडमिशन इसका कराया कोई गया। एग्जाम होता उसका एक एग्ज़ाम होता है, एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है। पहले आप फॉर्म भरेंगे, है? अपने जो कलेक्टोरेट है वहाँ पे आप फॉर्म को सबमिट कर दिए। फॉर्म को सबमिट करने के बाद में वो एग्ज़ाम का एक डेट रहेगा, उसमें आप एग्ज़ाम देंगे। नॉर्मल उस टाइम जो उसका सिलेबस था, तो यूपीएससी का जैसा सिलेबस है उसी पैटर्न में पेपर हुआ था। साथ में मैथ्स और रीजनिंग था, तो उस समय तो मेरा बहुत ज़्यादा प्रिपरेशन था नहीं, लेकिन चूंकि मेरा मैथ साइंस से सब अच्छा था, काफ़ी सारा वेटेज उसमें भी था, तो वो सब चीज़ों में बहुत अच्छा किया। थोड़ा बहुत मैं कॉन्स्टिट्यूशन और जियोग्राफी ये सब मैं हल्का फुल्का उस टाइम पढ़ना चालू किया था, तो वहाँ से मेरे कुछ क्वेश्चन बन गया, तो मेरा चयन हो गया। उसके बाद मैं दिल्ली चला गया। तो उस योजना में करीब जैसे इनकम बेसिस में रहता है, तो जैसे अगर इनकम ज़्यादा है, लिमिट का मेरे को एकदम एग्जैक्ट अभी ध्यान नहीं आ रहा है, तो उसमें अगर इनकम कम है तो 90% गवर्नमेंट पे करेगा फीस का, 10% आप करेंगे। और जो रहने खाने का जो भी चीज़ खर्चा होता है, वहाँ पे हॉस्टल है एक अलग से, ट्राइबल यूथ हॉस्टल है वहाँ पे, तो वहाँ पे आपका रहने खाने का पूरा व्यवस्था गवर्नमेंट के साइड से रहता है। जो आप अपनी जगह से अगर आप कोचिंग तक भी जाते हैं, तो सारा जो कॉस्ट है वो गवर्नमेंट बियर करते हैं। तो उसमें मौका मिला तो वहाँ पे गया, एक साल में कोचिंग के वाजीराम एंड रवि में, और प्रीलिम्स तो मैं क्वालिफाई नहीं कर पाया यूपीएससी का। साथ में फिर मैं नेक्स्ट ईयर से मैं सीजीपीएससी की भी तैयारी चालू कर दिया। और वो योजना काफ़ी अच्छा योजना है, मतलब जिनको अगर लगता है कि इकोनॉमिक, क्योंकि अगर डेली कोई नॉर्मल आदमी जाए तो उसके लिए कॉस्ट को बियर करना काफ़ी मुश्किल है। और ऐसी योजना में अगर कुछ बच्चों को मौका मिलता है, जिन जो लोग उतना ज़्यादा खर्चा नहीं कर सकते हैं, तो उनके लिए बहुत शानदार योजना है। और जिसको भी अगर फॉर्म भरना होगा, तो लगभग ये अप्रैल मई के आसपास में इसका फॉर्म आता है, तो जो भी इंटरेस्टेड हैं तो बिल्कुल उसको फॉर्म को भरिए और चयन अप्लाई हो गया, करके फिर बिल्कुल वहाँ पे जाइए। जा सकते हैं, जी मतलब एक ओवरऑल आपको गाइडेंस भी मिल जाता है, जी कोचिंग भी मिल जाता है, सही जगह पे आप पहुँच हाँ जाते हैं, हाँ और तैयारी अच्छे लेवल पे होना, और खासकर दिल्ली का जो मेन खर्चा रहता है क्योंकि मैं रहा हूँ, तो वहाँ रहना खाना काफ़ी कॉस्टली ही है। बहुत ज़्यादा कॉस्टली हो जाता है, तो आई थिंक एक अच्छा है। और थैंक यू कि इसके लिए डिटेल जी में बताए।